नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है वो है फोटो स्टूडियो। आपका अपना फोटो स्टूडियो है या आप अपना नया सेटअप बनाने जा रहे हैं और आपकी जो अपनी दुकान है वो वेस्ट फेसिंग है, इसमें आप फोटो स्टूडियो बनाने जा रहे हैं, तो एज पर वास्तु आपको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है? क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति अपना नया काम शुरू करता है तो वो कभी भी ये नहीं सोचता कि उसका काम ना चले, उसका काम बहुत अच्छा चले। लेकिन वास्तु के हिसाब से कोई चीज़ गलत बन जाती है तो उसके कारण परेशानी आती है। यदि आप अपनी नई दुकान खरीदने जा रहे हैं या किराए पर लेकर अपना स्टूडियो बनाने जा रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ विशेष बातों का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि स्टूडियो बनाते समय बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है, बहुत सारा पैसा लगता है। और मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप अपना जो स्टूडियो बना रहे हैं उसको एज पर वास्तु बनाएंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ बहुत बेहतर रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। यदि आपका अपना फ़ोटो स्टूडियो पहले से बना हुआ है और वेस्ट फेसिंग है और आपके यहाँ वर्किंग अच्छी नहीं है, तो आप मेरे इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें, समझें और फिर अपने यहाँ चेंज करें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें बिल्कुल सही है और आपके यहाँ जो बातें मैंने बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट सही बैठती है, तो आप अपने यहाँ अपने स्टूडियो में चेंज करके उसको सही कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जो ध्यान रखना है, जो आप अपनी नई दुकान खरीदने जा रहे हैं या किराए पर लेने जा रहे हैं, आपकी अपनी दुकान वेस्ट फेसिंग है, तो इसमें आपने सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जो आपकी अपनी दुकान है वो रोड के लेवल से ऊंची होनी चाहिए। जो आपका बाहर का लेवल है, यानी जो आपका बाहर का रोड का लेवल है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, खड्डे वाला नहीं होना चाहिए। यदि आपके यहाँ बाहर नाली बनी हुई है और उसके ऊपर पत्थर लगाए हुए हैं, तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा, जो आपकी नाली बनी हुई है उस नाली पर वाइट कलर के पत्थर लगे होने चाहिए और स्मूथ लगे होने चाहिए, एक लेवल में लगे होने चाहिए। ऊंचे नीचे है तो आप उन्हें सही कराएं, ऐसा करने से भी आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसके बाद आपने करना क्या है, जो आपका अपना शटर है, शटर पर आपने वाइट कलर या सिल्वर कलर का पेंट ही करना है। आपकी दुकान की चौड़ाई ज़्यादा है तो इसमें आपने जो गेट बनाना है वो आप गेट, डोर वेस्ट सेंटर से नॉर्थ वेस्ट की ओर बनाएं। आपको लगता है कि आपके यहाँ दुकान की चौड़ाई कम है तो आप नॉर्थ वेस्ट कोने से गेट को शुरू करके वेस्ट के बाग की ओर अपना गेट बनाएं। अब जितने भी फोटो स्टूडियो हैं उनके अंदर एक डिस्प्ले का भी एरिया होता है, वो डिस्प्ले का एरिया आपने कहाँ बनाना है, वो डिस्प्ले का एरिया आपने अपनी सीटिंग के साथ बनाना है। और जो आपका फ्रंट का भाग है, जहाँ तक आपका डोर आता है, डोर के बाद का हिस्सा यानी फ्रंट का वेस्ट का भाग भी आपका डिस्प्ले का बन जाता है। अब फोटो स्टूडियो का काम है तो इसमें एक कंप्यूटर की भी ज़रूरत पड़ती है, जो फोटो एडिटिंग होती है, वीडियो एडिटिंग होती है, और एक स्टूडियो होता है जिसके अंदर फोटो भी खींची जाती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जो स्टूडियो बनाना है वो आपने बैक साइड में स्टूडियो बनाना है और कंप्यूटर टेबल जो लगानी है वो कंप्यूटर टेबल आपने यहां पर साउथ जोन में ही आपने कंप्यूटर टेबल लगानी है। जो आपके यहाँ फोटोएं तैयार होती हैं वो फोटोएं आप डिस्प्ले के लिए नॉर्थ वॉल पर भी, साउथ वॉल पर भी, और जो आपकी कंप्यूटर टेबल वाला कैबिन बनेगा उसकी दीवार पर, यहाँ पर भी और इस हिस्से में भी आप फोटोएं लगा सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो आपका अपना काउंटर बनेगा वो काउंटर आपका यहाँ पर यानी साउथ वेस्ट के भाग में आपका काउंटर बनेगा और जो ऑनर की सीटिंग है वो साउथ वेस्ट के भाग में आएगी। कैश ड्रॉर जो बनानी है वो आप जो आपका फ्रंट के हिस्से में एल शेप में जो काउंटर बनेगा, इस काउंटर में आपने
एक ड्रॉर बनानी है जो कि ईस्ट की ओर ओपन होगी। इसके अंदर आप अपना कैश रखेंगे तो ये हमेशा ही आपको फ़ायदा देगा। हमेशा ही यहाँ से जो पैसा निकला है वो आपके घर तक जरूर पहुँचेगा। जो आपका काउंटर बनेगा, इस काउंटर के अंदर आप अपनी डिस्प्ले भी बना सकते हैं। ऊपर ग्लास का टॉप लगाकर बीच के हिस्से में डिस्प्ले हो जाएगी और जो नीचे का हिस्सा बनता है उसके अंदर आपकी स्टोरेज हो जाएगी। जो आपने कंप्यूटर टेबल लगानी है, यहाँ पर इस भाग में आप अपनी कंप्यूटर टेबल लगाएं और जो इसकी एंट्रेंस करनी है वो एंट्रेंस आप यहाँ से करें और जो टेबल लगानी है आपने वो आपकी इस कैबिन के ईस्ट वॉल पर आपकी कंप्यूटर टेबल आ जाएगी और आपका फेस ईस्ट की ओर होकर काम करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसी में आपको एक प्रिंटर की भी ज़रूरत पड़ती है, वो प्रिंटर आप यहाँ पर इस भाग में रखें और एक कटर की भी ज़रूरत पड़ती है, वो कटर आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। और आपके यहाँ स्पेस थोड़ा ज़्यादा है तो मैं आपको ये कहूँगा कि यहाँ पर एक साइड में स्टोरेज बनाए और ऊपर टॉप बन जाए और उस कटर को आप यहाँ पर इस हिस्से में रखकर काम करेंगे तो ये सिटिंग आपकी बेहतर हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं हम अंदर के स्टूडियो की। अंदर के स्टूडियो की जो एंट्रेंस करनी है, गेट के ठीक सामने ही दूसरा गेट आपने लगाना है और इस गेट से एंट्री करने के बाद यहाँ पर जो आपने स्टूडियो बनाना है, स्टूडियो के अंदर बहुत सारे कर्टन्स लगाए जाते हैं जो एक के पीछे एक लग जाते हैं, जहाँ जिस कर्टन पर फोटो खींचनी होती है वो कर्टन आगे कर दिया जाता है, बाकी ये सारे कर्टन ऊपर उठा दिए जाते हैं। ऐसे में आपने करना क्या है, जो कर्टन आपने लगाने हैं वो आपके सारे साउथ वॉल पर आ जाएंगे। यहाँ पर कस्टमर खड़ा होकर या बैठ कर फोटो खिंचवाएगा और जो फ़ोटो खींचाएगा वो व्यक्ति अपना यहाँ पर खड़ा होकर फ़ोटो खींचेगा और उनकी जो अपनी लाइटों का जो सेटअप है वो सेटअप जैसे उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है वो अपना सेटअप कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है जो आपके कर्टन्स यहाँ लगे हैं, हमेशा ही इस हिस्से में रेड कलर का कर्टन या पिंक कलर का कर्टन ही हमेशा फ्रंट में होना चाहिए, बाकी के सारे कर्टन छुपे हुए होने चाहिए। अब बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि अलग अलग दीवारों पे अलग अलग कर्टन लगा दिए जाते हैं। अगर आपको ईस्ट की दीवार पर कर्टन लगाने हैं और यहाँ पर फोटो खींचनी है तो यहाँ पर आपने ग्रीन कलर का या लाइट ब्राउन कलर का कर्टन ही लगाना है और आपने नॉर्थ वॉल पर कर्टन लगाना है तो यहाँ पर आप स्काई ब्लू कलर या ब्लू कलर का कर्टन लगाएंगे तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। इसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना है, पीछे का हिस्सा यानी स्टूडियो वाला हिस्सा बाहर के हिस्से से ऊंचा नहीं करना है। यदि आप नया सेटअप करने जा रहे हैं तो इसमें मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा, जो आपने फ़र्श की ढलान करनी है वो साउथ से नॉर्थ की ओर ही फर्श की ढलान करनी है, कोई भी हिस्सा ऊंचा नीचा नहीं होगा। सिर्फ साउथ का भाग साउथ वेस्ट कॉर्नर से लेकर साउथ ईस्ट कॉर्नर तक ऊंचा होगा और पूरी की पूरी ढाल आपकी नॉर्थ की ओर आ जाएगी। और जो टाइलें आपने लगानी है यहाँ पर, ऑफ वाइट कलर की टाइलें ही इस्तेमाल करनी है। इसी के साथ आपको एक काम और करना है, यहाँ पर आपको जो पीने का पानी रखना है, पीने का पानी आप नॉर्थ में इस हिस्से में भी रख सकते हैं और स्टूडियो के नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के हिस्से में भी रख सकते हैं। मंदिर आपने कहाँ बनाना है, मंदिर आप ईस्ट की दीवार पर यहाँ पर मंदिर बनाए या मंदिर आप यहाँ पर बनाए। ध्यान रखना है जो आपकी एंट्रेंस है, एंट्रेंस के ठीक सामने मंदिर नहीं होना चाहिए। एंट्रेंस से निकलने के बाद ईस्ट की दीवार पर आप अपना मंदिर लगाएंगे तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जो ऑनर की चेयर है वो रेड कलर की या मैरून कलर की या क्रीम कलर की ही होनी चाहिए और जो कंप्यूटर रूम में चेयर रखनी है वो सिर्फ रेड कलर की ही होनी चाहिए। आप इन बातों का ध्यान रखकर अपने स्टूडियो का सेटअप करेंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। जो सेटअप मैंने आपको बताया है, यदि आपके यहाँ इस तरह सेटअप नहीं है और आपके यहाँ वर्किंग अच्छी नहीं आ रही है तो मैं ये कहूँगा कि मेरी वीडियो को 2-3-4 बार ज़रूर सुने और उसके बाद आप अपने स्टूडियो को चेक करें कहाँ आपके यहाँ कमी है। और जैसे मैंने बताया, इस तरीके से आप अपने यहाँ चेंज करेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।